सदमन सर, क्या पढ़ी थी पिछले क्लास में? सर नेशनल इनकम हो गया था सर, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताए थे, कैसे निकाला जाता है। क्या हाल है सानी साहिब? नाम सर? ठीक है सर। क्या हाल है मनीषा? हाउ आर यू? ठीक है सर, आई एम फाइन सर। जी सर, जी सर, but fine alone or along with your kids and hubby. Sir, टेटी की आवाज कम करो तो आवाज नहीं है। जी सर, क्या पूछे? Are you fine along with daughter and hubby, husband? Yes, sir. How are they? Husband is in Gurgaon. प्रणाम सर। Thank you.
प्रणाम सर। सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं? अभी सर कहाँ बोले हैं? अच्छा जीडीपी में उतना ही मतलब राष्ट्रीय आय उतना ही पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन इतना सारा है कि समझ में नहीं आ रहा है किस लिखें। अभी तो नहीं पता सर, वो तो बोले हैं कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पढ़ाए हैं, अब आगे देखिए क्या पढ़ाते हैं। अच्छा समझ में नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर। आज क्वेश्चन बहुत सारा ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मतलब कलेक्ट किए हैं, तो उन्हीं के बारे में उसी के बारे में पूछना था। उसके बाद फोन नंबर है मेरा क्या सर? फोन नंबर मेरा है। हाँ सर से पूछो, क्लास में नहीं पूछो। ठीक ना, सबको आउट हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं सर क्वेश्चन आउट कैसे होगा, हम तो क्या बात बोलते कृष्ण भगवान एगो अंगुली से पर्वत को उठा वो पता ही नहीं, जानती हो श्वेता? जी सर, जी सर कंगलिया उंगली पे उठाए थे गोवर्धन पर्वत को। कुछ स्टूडेंट जो है हमको रिक्वेस्ट किया जी कि पीटी के लिए क्वेश्चन गेस करा, तो पहले हम ना कहे, फिर बहुत जिद किया लोग, तो हम ठीक है लिखो, आंख बंद करके उसको लिखाते गए, करीब 65 को लिखाए हुए क्वेश्चन। उसके बाद एक उसी में स्टूडेंट थी, बोली कि मत लिखाइए सर, पता नहीं क्यों कही, छोड़ तो जाओ हटो, छोड़ दिए। तीन चार रोज बाद एग्जामिनेशन था, 65 में बहुत सारा क्वेश्चन उसको पकड़ा गया। सोचने लगा कि अगर तू 100 लिखाए होते तो सर 50% पकड़ा गया। जी सर, जमाने में हमारा बुकलेट निकलता था यूपीएससी, बुकलेट से जो क्वेश्चन सेट किए तो भी आ गया। तो क्वेश्चन सेट कौन करता है, गॉड करते हैं कि टीचर करता है? टीचर, टीचर करते हैं सर। तो टीचर 50 साल से यही काम कर रहा हो जी सर, वो जो तीर चलाएगा तो हो सकता है कि आंख में लग जाए जी सर, ना भी लग सकता है, होंठ में लग जाए, बाएं लग जाए, जो हो सकता है ना कि आंख में लग जाए। जब शुरू की थी उस समय तुम्हारा जो नॉलेज का लेवल था, अभी जो नॉलेज का लेवल है, दोनों में डिफरेंस हो जी सर, बहुत ज्यादा है सर डिफरेंस। जैसे ही यहाँ से हटोगी लोग तुम्हारे पास आने लगेगा कि दीदी बता दीजिए, दीदी बता दीजिए, उसको बहुत आश्चर्य लगेगा कैसे तुम सब चीज बता रहे। यही होता है ट्रू स्टूडेंट प्लस ट्रू टीचर। ट्रू स्टूडेंट ट्रू टीचर दोनों अगर एक साथ है, सक्सेस इज गारंटी, सक्सेस इज गारंटी। सर एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकते हैं? क्वेश्चन नहीं पूछो, ये अभी सबका कॉमन टाइम है ना, क्वेश्चन पूछोगी तो हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब जो बता रहे हैं तुमको आया मतलब हुआ, एक बार सर समझा दीजिए ना थोड़ा सा, बस हम जानना चाहते कि ये क्या चीज है। बोलो। क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2010 से 11 में निर्देशांक 125 दिया हुआ है, तो इसमें जीडीपी कैसे निकालेंगे सर? निर्देशांक का सूचकांक अंतर जानती हो? नहीं जानते सर। तब ये क्लास ले लेंगे, वो अपना करके हमको बता दो, इस पर क्लास ही ले लेंगे, घबराने का नहीं बात है, नहीं जानती हो तो अच्छी बात है, तुम जान रही हो कि नहीं जान रही। इसके लिए तुमको नॉलेज चाहिए, लास्ट ईयर पास
एडवर्ट ये सबका इक्वेशन इसका यूज किसर किसर का बेस फॉर्मूला स्पेयर पास का ज्योमेट्रिक मीन बहुत सारी चीज ग्रुप में क्वेश्चन कर दीजिएगा मैसेज हम ग्रुप में सर जो ना पेज हम जो लिखे ना सेंड कर देंगे भेज दो क्योंकि क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा आया हुआ है क्वेश्चन नंबर सर ये जो है ना ये जो राष्ट्रीय आय वाला सर जो बता रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 1 है 65 में 64 और 63 में शायद नहीं पूछा है बाकी सब साल में पूछा है 39वीं तक में पूछा है अरे भाई अब नहीं पूछेगा ना जान गया कि लड़का जो है 20 में 40 में 40 ले आता है जाके समझा मतलब सर अलग अलग तरीका से पूछा किसी में परिभाषा पूछा है किसी में अंतर तो किसी में ये जीडीपी निकालने नहीं पूछता इक्वेशन वाला बात कर रहे हैं सर इसमें जो क्वेश्चन सेटिंग होता है तो इसमें 40 में 40 लड़का को मिल जाता है yes, sir. उसके बाद से तुम देखो कभी भी सवाल नहीं पूछा है लिटरेचर पूछा है yes, sir. लेकिन लिटरेचर में ही हम लोग इतना ही क्वेश्चन डालेंगे कि नंबर उसको देना ही पड़ेगा नेशनल इनकम में फॉर्मूला नहीं है बहुत सारा फॉर्मूला पड़ी जी सर बहुत सारा फॉर्मूला लेकिन उसको हम लोग बना भी देंगे देखेंगे अभी ध्यान रखो जो बता रहे हैं जो बता रहे हैं इसका नाम है आया हुआ है बीपीएससी में नेशनल इनकम तू व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देना ना ठीक है सर नेशनल इनकम नेशनल इनकम आइडेंटिटी किस साल आया हुआ है क्या सर नेशनल इनकम आइडेंटिटी नेशनल इनकम आइडेंटिटी भी किस साल आया हुआ होगा सर हिंदी में बोलिए ना हिंदी में लिखे राष्ट्रीय आय का में समरूपता कैसे नेशनल इनकम आइडेंटिटी दो प्रक्षेत्र राष्ट्रीय आय समानता समीकरण नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन राष्ट्रीय आय समानता समीकरण सबसे पहले आता है दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था
y is equal to b plus s. Y is equal to c plus i. Plus I. C plus s equal to c plus I. हो गया जी बोला जाएगा आई समान होगा एस पर तो प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय आय समानता राष्ट्रीय आय समानता समीकरण दो प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय आय समानता समीकरण y हो गया आय b हो गया s हो गया बचत श्वेता जी सर ई किसे कहते हैं कौन जी सर ई ई सी 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 जी सर उपभोग है सर वो तो लिखा हुआ है जी सर किसी किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है आय से क्या संबंध है आय से सर आय आय का जिस भाग को हम सर उपभोग करते हैं उपभोग कहलाता है आय का जिस भाग को हम बचत नहीं करते हैं जी से उपभोग कहते हैं जी आय के जिस भाग को हम बचत नहीं करते हैं उपभोग कहते हैं एक परिभाषा हुआ जी सर इंटरव्यू में अगर पूछेगा जी सी क्या है सी उपभोग है सर तो इतने पर खत्म नहीं करना है सी क्या है ना उपभोग तो उसका हिंदी हुआ जी सर सी उपभोग के लिए दिया गया टर्म है उपभोग का अर्थ होता आय का वह हिस्सा आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया हिस्सा जो बचत नहीं किया गया वह उपभोग कहलाता जी उपभोग कहलाता इसी ट्रिक पर बोलो बचत किसे कहते हैं श्रीमान बचत के लिए श्रीमान एस बचत के लिए यूज किया जाता है बचत होता है आय का वह हिस्सा जिसको हम उपभोग नहीं करते हैं करेक्ट समझी श्रीमान आय का वह हिस्सा जिसका हम उपभोग कर लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो बचत है आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाए बचत नहीं किया जाए जी आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता उपभोग कर लिया जाता है आय का वह हिस्सा जो बचत कर लिया गया आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया ऐसा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत परिभाषा इस तरह से बनेगा आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत है जी दूसरा होगा आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया वो उपभोग है
आए का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत है। लिख लीजिए जो आदमी आय का वह हिस्सा जो सुन रहा है वो लिख लीजिए। समझ गया सर। लिखिए सर वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है नहीं किया जाता है वह प्रणाम सर। आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया। आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया जो बचत नहीं किया गया सर विनियोग भी सर लिखा दीजिए एक मिनट। सी प्लस एस में है जी। वाई इक्वल टू सी प्लस आई जी जो पर ही बात लागू होगा। आई क्या है विनियोग आएगा वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है बोलना हो कि श्रीमान दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये बात लागू होता है जहां वाई बराबर होता है सी प्लस आई बोलने का मौका रहेगा जी। तो बोलिएगा कि ये परिभाषा वाई बराबर सी प्लस आई दो प्रक्षेत्र के आय समीकरण पर आधारित का वह हिस्सा
तो वीडियो नहीं किया जाता दिखली मनीषा। यस सर। जी सर लिख लिया। इंटरव्यू में अगर ये पूछ दिया इसे जरूर बोलो कि श्रीमान दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में आई बराबर होता है सी प्लस आई, कहीं ये परिभाषा लागू होगा। जी। दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में वाई बराबर होता है सी प्लस एस, जी सर। दूसरा वाला है सी प्लस एस, जी सर। तो वही बचत का परिभाषा ये होगा, उपभोग का परिभाषा, जी सर। तो पूछने वाला समझ आया कि तुमको क्लियर कंसेप्ट है, जी सर। है कि तीन प्रक्षेत्र जब होगा चार प्रक्षेत्र होगा तो बात में परिवर्तन आ जाए। सबसे सरल परिभाषा दो प्रक्षेत्र का होता है, सब जगह इसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए सवाल में राजू लिखा उसको पढ़ो तो क्या सर, बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको बोल के आवाज से पढ़ो। दो प्रक्षेत्र में वाई बराबर सी प्लस एस, जिसमें बचत होता है, आय का जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उपभोग आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। वाई बराबर सी प्लस आई, जहां नियोग आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है विनियोग कहते हैं। आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। एकदम सही है। ऋचा चौहान आप बोलिए तो। जी सर। दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में यह लागू होता है, वाई बराबर सी प्लस एस, बचत आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उपभोग आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। y इक्वल टू सी प्लस आई, विनियोग आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। उपभोग आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। इस बात को बोलो कि यह परिभाषा समीकरण y बराबर सी प्लस आई पर स्थापित है। यह परिभाषा समीकरण y प्लस सी प्लस पर स्थापित है। y is equal to c plus i। यह परिभाषा समीकरण y equal to c plus s पर आधारित है। दूसरा बोलो। यह परिभाषा समीकरण y equal to c plus i पर आधारित है। बहुत अच्छा मनीषा, तुम बोलो तो। श्रीमान, यह दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में लागू होता है, y बराबर c प्लस s जहां होता है वहां बचत के लिए परिभाषा होगा कि आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है, और उपभोग आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। दूसरा समीकरण इसी तरह है, y बराबर c प्लस i, पहला विनियोग आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है
उसे विनियोग कहते हैं। आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। वो कहाँ है, क्या नाम है, साक्षी, साक्षी प्रिया, साक्षी प्रिया जी सर, तुम देख के पढ़ो तो इसको। हाँ सर, यह परिभाषा दो प्रक्षेप्त अर्थव्यवस्था में लागू होता है जिसमें समीकरण y बराबर c प्लस s है, इस पे बचत, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं, उपभोग, आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जा सकता उसे उपभोग कहते हैं। समीकरण y बराबर c प्लस i पर आधारित है, इसमें विनियोग बराबर आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं, और उपभोग, आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। करेक्ट। होता क्या है कि आय के, आय को किस रूप में देखा जाए, जनरली आय का जब भी बातचीत होता है तो वस्तु की मात्रा जो होता है उसी के मूल्य को हम लोग जीडीपी जीएनपी मानते हैं। कहता है कोई भी वस्तु मान लीजिए है और उसका क्वांटिटी है, तो राष्ट्रीय आय जब भी निकालिएगा तो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सूचकांक का और सूचकांक के बारे में कहा जाता है एक सौ पचास फॉर्मूला विभिन्न विद्वानों ने विकसित किया। किंतु इरविन फिशर का फॉर्मूला सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इरविन फिशर का फॉर्मूला क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया। सर्वश्रेष्ठ माना गया। देखिए फॉर्मूला जो है बोर्ड पर नजर रखिएगा, P01 फॉर्मूला लिखा रहेगा P01, इसका मतलब वर्तमान वर्ष, क्या बोलेंगे, वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष निर्देशांक या इंडेक्स नंबर,
जीरो का मतलब होता है आधार वर्ष। एक का मतलब होता है वर्तमान वर्ष। जीरो का अर्थ होता है आधार वर्ष, एक का होता है वर्तमान वर्ष। टू का मतलब होता है वस्तु की मात्रा। थ्री का मतलब होता है वस्तु का मूल्य। अगर मान लीजिए क्यू लिखा हुआ है, इसमें जीरो लगा दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधार वर्ष का, आधार वर्ष की वस्तु की मात्रा। आधार वर्ष, आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा। जीरो में, पी में जीरो लगा देगा तो जाएगा। वस्तु का मूल्य आधार वर्ष में। आधार वर्ष में वस्तु, आधार वर्ष की वस्तु की मात्रा। पी जीरो लगा देगा तो बोलेगा आधार वर्ष, आधार वर्ष में मूल्य। आधार वर्ष में मूल्य कौन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्ष, वर्तमान में वस्तु के वर्ष। का मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्ष वर्ष का वर्तमान वर्तमान वर्ष में मूल्य। ऐसे करने का मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़। वर्तमान वर्ष सूचकांक, वर्तमान वर्ष सूचकांक या निर्देशांक या इंडेक्स नंबर। और पी 10 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आधार वर्ष। आधार वर्ष सूचकांक या निर्देशांक या इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर साक्षी प्रिया जी सर।
अब आपने लिख लिया जी सर। अरविंद कुमार लिख लिए, अरविंद कुमार ठीक है अब इसको हम सिखा रहे हैं इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, नजर बोर्ड पर लाइए। लिख लिए जी सर, बोर्ड पर पहले यही लिखना है P01 बराबर PQ/PQ × PQ/PQ, ताकि कभी बोलिए नहीं सकिए। राजू हाँ सर, लिख रहे हो ना? हाँ सर लिख रहे हैं। कभी भूलने लायक है PQ चार बार लिखना है? नहीं सर, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो कभी भूलिएगा ही नहीं। और आगे वाला में नंबर दिए हुए हैं P01, और उधर आपको बताए हुए हैं कि 01 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष का सूचकांक। बोर्ड पर नजर रखिएगा, इधर है 01 जी, ठीक उल्टा कर दीजिए इधर 10 तब आप इस बात को ध्यान रखिए P01 है ऊपर वाला में उल्टा लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे 10 और फिर आप पलट देंगे तो उलट देंगे फिर 0 01 और यहाँ नीचे में देंगे 00 और ऊपर में देंगे 11 यही इसका फाइनल सूत्र है। अब हम लोग इसके आगे में सिग्मा का चिन्ह लगा दें। Into 100 करें। अब मान लीजिए वर्तमान वर्ष है, आधार वर्ष है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो है एक है P1 ये मान लीजिए 2009 है, 2010
2009 में जीवन था कितना, दो, 2010 में है चार। चेक कीजिए, चार और आठ, चार है 2010 क्यू वन क्यू वन है चार दो जीवन कितना है चार दो है चार दो। अच्छा जीरो भी क्या है दो चार दो चार ये एक्चुअली आपको जो है 4 साल पहले एक क्वेश्चन फिक्स रहता था, कंपलसरी रहता था लिखना, अब कंपलसरी नहीं है। जब से मैथमेटिक्स हटा है तब से कंपलसरी नहीं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकता। यहाँ जो हम लोग का आइटम जो है, ये आइटम क्या है, म्यूट करो आवाज म्यूट करो, आवाज हो रहा है। पहला आइटम है पी वन क्यू जीरो, दूसरा आइटम है पी जीरो क्यू जीरो, तीसरा आइटम है पी वन क्यू वन, चौथा आइटम है पी जीरो क्यू वन। ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, कहेगा कि निर्देशांक निकालिए वर्तमान वर्ष का, तो ये आपको हम सूत्र यहां बनाए हैं वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष सूचकांक आंकड़ा है, हमारे पास आसान रहता है, जो मुझवानी आप गुना भाग कर सकते हैं। यहाँ पी वन क्यू जीरो, पी वन ही है क्यू जीरो ही है, क्या जाएगा दो दूना चार, चार चार क्या जाएगा, चार चौका सोलह, फोर फोर जा सिक्सटीन, देखो ये है पी जीरो क्यू जीरो आठ, पी जीरो क्यू जीरो आठ, आठ हो जाएगा, आठ दूनी सोलह, आठ चौके बत्तीस, सोलह हो जाएगा यहाँ पर टोटल निकालिए कितना हो गई, चालीस जो हुआ ना टोटल क्या जाएगा, चालीस का सोलह बत्तीस ये है पी वन क्यू जीरो, इसी का टोटल है ना, ये जी सर पी वन क्यू जीरो के लिए सिग्मा लगाना पड़ता है जी, हो जाएगा सिग्मा पी वन क्यू जीरो, हो जाएगा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, वाला क्या हो जाएगा सिग्मा पी वन क्यू वन, वाला क्या हो जाएगा सिग्मा पी जीरो क्यू वन। चलो सिग्मा मिल गया जी, ऊपर डाल दीजिए पता चले P1 Q0 कितना आया है, समेशन P1 Q0 20
पच्चीस हो जाएगा सर टोटल, बत्तीस ना पच्चीस आ जाएगा सर, 25 हो जाएगा, 25 सर सर वो सर में उसका ना 25 होगा जी सर, पूरा कैलकुलेशन सर, 16 दुना 32, 20 दुना 40, 4 25 25 25 गुने कितना होगा, 25 गुने कहां गुना होगा सर, नहीं सर गुना होगा, 100 कट के 25 होगा, सिर्फ 25 होगा सर, 4 into 100 आएगा लास्ट में, 144 वो 100 कट के 25 आएगा सर, कट के सिर्फ 25 होगा सर, नहीं तो 144 1/4 1/4 गुने 100 बराबर 25 और कर लिए ना जी सर, पूरा कैलकुलेशन जी सर 25 आएगा, 100 कट गया है जी सर, चार नीचे में है ना, 25 तो के 100 सर, ऐसे फाइनल रिजल्ट कितना आया, 25 इस वर्ष में जी, P01 is equal to 25 है, P01 equal to 25 इस वर्ष में वर्तमान वर्ष सूचकांक सर, वर्तमान वर्ष सूचकांक। अब देखिए अब आप लोग सब आदमी समझ चुके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सूत्र है ना जी, सूत्र में जहां जहां वन है उसको जीरो कर दीजिए, या जहां जहां जीरो है उसको वन कर दीजिए, तो पहला में क्या है, पहला जीरो है वन है, तो पहला में जीरो बदल के हो जाएगा वन, वन जीरो हो जाएगा जीरो, उसका आराम से ऐसे खींचिए, आराम से खींचने के बाद ऊपर में डाल दीजिए PQ ना कर दीजिए, नंबर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन क्या हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा सर, जीरो वन सर, जीरो वन नीचे है, जीरो जीरो यहाँ हो जाएगा, जीरो 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 यहाँ हो जाएगा, वन जीरो वन जीरो गुना 100 निकालिए आप कितना आता है, ये आधार वर्ष हो गया ना, ये आधार वर्ष हो गया, आधार वर्ष उसका आधार वर्ष सूचकांक है, तो सब में सिग्मा छूट गया, नहीं रहा अपना दे दो दिए हो कि नहीं, ये तो सर चार, ये तो सर चार से आता है जी सर, 400 आएगा, 400 सर आता है, 400 आधार वर्ष का सूचकांक 400
कितना आया है? 400 सर, 400। सब आदमी को 400 आया है? कुछ सर 400 आया। आंकड़ा लिखा तो कितना आया है? सर पी जीरो क्यू वन हो जाएगा सर, 32 बटा 16, 32 बटा 16, पी वन क्यू वन 16 हो गया, इंटू पी जीरो क्यू जीरो 40 है, बटा 20, पी वन क्यू जीरो 20 हो गया, इंटू 100 40। ये हो गया कितना है? 32 बटा 16 है। यस सर, 2 मिनट। 16 दुना 32 सर, 2 हो गया ऊपर में। हो गया ऊपर। 20 दुना 40, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 4 इनटू 100, 400। यहाँ 2 हो गया, 2 को ले गई इधर। 16 दुनी 32, 20 दुनी 40, ऊपर ऊपर दोनों कट गया, तो ऊपर 2 2 2 2 2 100, 4 × 100 हो गया 400। 20 दुनी 40 कट गया, यहाँ का 2 कहाँ गया? 16 दुनी 32, 16 से 32 कट गया दो मर्तबे में। 2 बचा ना? जी सर, 2 बचा ऊपर में। बाद में गुना हो गया सर, 2 और 2 4 को गुना, 2 2 गुना 2 गुना 4 हो गया, 100 को 4 से गुना कर दिए सर। 32 हुआ, 16 गुना 32 2 हुआ, 2 से 20 कट गया सर। 20 दुनी 40 डायरेक्ट कटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 से गुना किए तो 40 हो जाएगा, 40 बटा 40 एक ही ना होगा, 20 से कटाएंगे सर 40 को, 2 बार में होगा सर, 2 से जो 20 कटा 10 होगा, 16 कटा, कोना कोनी काटे आप 2 से 20 को तो 10 ना हुआ, 10 मरतबे में 2 2 2 2 2 2 20 को काटेंगे 10 मरतबे में कटेगा ना। हाँ ठीक है, 10 बटे 40 होगा सर, 10 से 40 को काट जी सर, तो 4 हुआ ना सर, 4 को काटेंगे 4 बचेगा। साक्षी प्रिया तुम समझ रही हो कि नहीं? जी सर समझ गए। अगर पहले समझ रही थी सूचकांक क्या होता है? नहीं सर। अब तुम बनाना भी जान गई, गुना भाग जान गई, इसमें 20 में 20 आता था, 40 में 40 जैसे, इसमें मार्क कटने वाला तो कहीं नहीं है। हाँ, कोई ठीक नहीं है, जो एग्जामिनर था बदमाश, उसको जलन होगा इकोनॉमिक्स से, इसलिए 2 साल से नहीं कर रहा है, 1 साल दिया ऑब्जेक्टिव, अगला साल दूसरा जो सब्जेक्टिव कर दिया, ऐसा केवल इकोनॉमिक्स के साथ, बाकी सब सब्जेक्ट को टच भी नहीं करता, बिना माए बाप का रहता है, इकोनॉमिक्स का कोई माए बाप नहीं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो भी लेता है वो लड़का जुलूस में जाता है जय जय करने। सर ये सवाल कितने नंबर का आता था? 40 नंबर का। सर तो 40 में से 40 आएगा, इसलिए हटा दे, हटाने का नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कोई भी ज्ञानर जो है दे सकता है, बिना निर्देशांक सूचकांक का देश नहीं चलता है, क्वेश्चन में आप कैसे नहीं पूछिएगा? अगर मान लीजिए वो थ्योरेटिकल भी पूछ दिया तो अभी सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, बनाने के लिए नहीं दिया, कहा कि वर्तमान वर्ष सूचकांक के बारे में बताएं, तो अभी सब सूत्र का प्रयोग हो जाएगा कि नहीं? होगा सर। जैसे हिसाब बनाने के लिए दिए 2 मिनट में बन जाए, वैसे ही सवाल देके बना भी दोगे? जी सर बना देंगे सर, हर हाल में इसको तैयार रखना है, कहेगा नहीं कि आप बनाइए, आप अपने मन से
दो चार आठ दीजिएगा कट कुट के एकदम आसानी से निकल जाए। इस क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए, वर्तमान वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला किसर द्वारा इसे स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दरवाजा बंद। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, हर वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं। सूचकांक के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किए कि आपको कोई कहेगा कहे इसी सूत्र को दो, जवाब दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ को ही देंगे। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको देते हैं, जो खराब एक्टिंग किया, सबसे अच्छा जो किया। आधार वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सूचकांक फॉर्मूला द्वारा इसे स्पष्ट करें। द्वारा इसे स्पष्ट करें। हम लोग पा रहे हैं कि आधार वर्ष में कितना आया था, 400 बोली हो जी सर, 400। वर्तमान वर्ष में हो गया है 25। इन्फ्लेशन हुआ कि डिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया सर, डिफ्लेशन हो गया, राजू तेज हो गया भाई, जी सर। आधार में 400 था, वर्तमान में 25 हो गया सर। यदि निर्देशांक पहले दिया रहेगा तो कैसे निकालना, तो बता रहे हैं उसको ध्यान दो ना, कितना बताए हैं तुमको उसको ध्यान दो। अबे वो साधु बाबा था, उसका वो चेला था, तो चेला जो है बराबर पूछता था कि सर आपके लोटा में क्या है, तो बाबा कोई जवाब नहीं देते थे, और बराबर जो है लोटा लेके जाते थे गंगा किनारे, फिर आते थे साथे वो भी रहकर। एक दिन कहा कि बाबा हम बराबर पूछते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो क्या, तो लोटा में क्या है, तो उसका हाथ लेके और लोटा में घुसा दिए, अब भीतर में बिच्छू था, मारा डांग बाप बाप में लगा, तो पूछे कि अब फिर पूछोगे लोटा में क्या है, ना समझ गए। दो चीज तुमको अभी बताए, यही चीज आगे हर सवाल का आधार होगा, झूठ मुठ के छान रही हो कि क्वेश्चन वो क्वेश्चन, पूरे 10 साल में 4 गो सवाल है, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो सवाल तुमको बताए यही सवाल आ जाएगा क्या करो, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं था, 4 साल से कहीं ना ये नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन सेट होता है उसको बैक डेट का 3 साल का भेजता है क्वेश्चन, बैक डेट में 3 साल में कभी है क्वेश्चन नहीं सर, एक ही बार, तो इसलिए उस पर चिंता नहीं करो, जो बता रहे हैं उसको सीखो, आने वाले समय में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूछता है कि नहीं पूछता है, सारा बात इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बताने में उपयोग हो जाए, अगर सूचकांक गिर जाएगा तो डिफ्लेशन है,
सूचकांक बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन है, देख लो कैलकुलेटर। सूचकांक आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो, वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम हो, अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई है और साथ में चली गई है, इन्फ्लेशन में चली गई, सर फिर से बोल दीजिए क्या बोले, हर वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो, वर्तमान वर्ष का आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो, वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम हो, अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, डिफ्लेशन, अंग्रेजी टर्म में लिख दो डिफ्लेशन, अगर उल्टा हो जाता तो इन्फ्लेशन होता। इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा, आधार वर्ष का सूचकांक कम होगा। मनीषा इंटरव्यू का तैयारी करने में तुमको बता रहे हैं, यस सर, इसीलिए इसको बताएं आप जी, आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा और वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम होगा तो इन डिफ्लेशन हो जाएगा, है क्या बोली, आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा और वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम होगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी और डिफ्लेशन हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बोलो, इन्फ्लेशन कब आएगा, इन्फ्लेशन जब आएगा जब आधार वर्ष का सूचकांक कम होगा और वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगा यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। मन का प्रसन्न होता है, मन का प्रसन्न होता है किस संदर्भ में पूछ रहे हैं सर, भाई प्रसन्नता, प्रसन्न मन होता है जब कोई आपके मन के अनुरूप काम होता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन के प्रतिकूल काम होता है तो मन अप्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न होता है कोई अच्छी खबर आने से, अच्छी खबर आने से जी, मन का अनुकूल हुआ वो, तुमको फोन किया कि लेक्चरर में नाम है तुम्हारा जी, मन प्रसन्न हो जाए जी सर। एक आदमी हमारे यहाँ आया हुआ था, ऐसे ही स्टूडेंट था, तो पूछा कि सर तो मैडम आपकी हैं जो अप्लाई की थी टीचर के लिए, तो लिस्ट आ गया है, आप देखे हैं कि नहीं, हम ना देखे हैं, आप कॉल नंबर दीजिए हम पता करके लाते हैं। तो शाम को फोन किया, सर गजब है, ऑल बिहार में उनका पांचवा रैंक। उस समय हम लोग थे आपके यहाँ सर, पढ़ाई कर रहे थे, मैडम का जब रिजल्ट आया तो आश्चर्य हो गया सब लोग, आपको कोई चिंता नहीं है, नहीं है ठीक है, हम तो कहे कि ले जाके ज्वाइन करा देते हैं। हाई कोर्ट में केस चल गया था टीचर का जी जी, केस फैसला होने में 36 वर्ष लग गया, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय रिजल्ट आया था मैडम का, उस समय जो है 36 साल पहले वो यंग थी, 36 साल हो गया तो उम्र बढ़ गया, उतना एनर्जी नहीं, लेकिन हम कहे कि जब आ गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ जी जी, यही हमारा स्टेट है। मैडम साइकोलॉजी की थी, फिलोसफी की, हाँ फिलोसफी की, सॉरी फिलोसफी, तो वो एमए थी, बीएड थी, एमएड थी, मैडम इतना गुनी कोई नहीं होगी पढ़ाई में लेकर के, किचन में लेकर के, सब कुछ में, स्टूडेंट सर सबको खूब खिलाते थे, ब्रेक कर दे चल जाए सब काफी तो कहते हैं कि सूचकांक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसका नॉलेज आपको धीरे धीरे हम कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफर करेंगे,
किसी इंटरव्यू में जाइएगा ये पूछेगा ही सूचकांक लॉरेंज कर्व गिनी कोफिशिएंट ये सब सेट सवाल है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है लिख लीजिए गिनी कोफिशिएंट किसे कर सूचकांक किसे करते लॉरेंज कर्व किसे करते लेफर वक्र किसे करते सब सटीक सवाल है जो इंटरव्यू में पूछिएगा और आपको ताकेगा That's all. प्रणाम सर प्रणाम सर बात समझ में आई ना जी सर क्रिया समझ गई तो सब समझ जाएगा सबसे छोटी बच्ची यही है राजू तो पहले ही समझ गया राजू स्मार्ट है देखिएगा ये हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर देखते देखते सूट टाइम में आ जाएगा सर हम पहचाने नहीं पाएंगे हम इसको तो गंजी में देखे और साक्षी प्रिया अगर ये सवाल नहीं पूछे होती तो हम ही नहीं बताते राष्ट्रीय आय में ही रह जाते राष्ट्रीय आय तो इतना लंबा है कि होना ही होना है ये चीज पूछ के हम समझ गए कि इसको टेंशन हो रहा है टेंशन नहीं रहना चाहिए रात में नींद नहीं आ रही टुकुर टुकुर देखते रहेगा नींद सवेरा हो दिन में नींद आ रही टेंशन दो चीज नहीं समझ में आ गए कुछ नहीं कुछ हो सकता है उस समय नहीं बता लेंगे अपने दिमाग में आ जाएगा पढ़ाई के क्रम में उसको हम कहीं ना कहीं डाल के बताए अब पढ़ा हुआ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगा तो अभी आपको बताए 150 में बेस्ट फॉर्मूला है ये सोच लीजिए ऑल वर्ल्ड में इसको लोग जानता है यही बेस्ट फॉर्मूला है और इस संदर्भ में भी हम लोग आगे बात करें आइडेंटिटी आज आइडेंटिटी क्या टू सेक्टर का हुआ है ना हाँ नेक्स्ट क्लास में होगा थ्री सेक्टर आज वाला पूरा घर में चेकअप करके ठीक से एक दो बार लिख दीजिएगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास क्लास हम लोग का ऐसा लाइव रहता है कि लगता है कि तुम लोग सामने हो पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन का मजा है ना कुछ भी पूछना पूछ दीजिए उसका हम जवाब देंगे है ना